अजीम रूहानी पेशवा शेखुल इस्लाम हजरत शाहरुख़ ने आलम मुल्तानी का 708वां उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ सजादा नशीन दरगाह आलिया और वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी ने गुसल देकर और चादर पोशी करके किया। पाकिस्तान ज़िक्रिया अकेडमी के ज़ेर एहतमाम दरबार के अहाता में कौमी कॉन्फ्रेंस मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी की ज़ेर सदारत में मुनक्कद हुई। जमात अहले सुन्नत व पाकिस्तान के सरबरा अलामा सैयद मज़र काज़मी और ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी और साबका वफाकी वज़ीर अलामा सैयद हामिद काज़मी मेहमान खसूसी थे। दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है। अभी मैं शुक्रगुजार हूँ मसनद आराय आस्ताना आलिया हजरत शाहरुख ने आलम नूरी हुजूरी रहमतुल्लाह अलैह मखदूम अल-मकादीम हजरत क़िबला मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब। इस मौका पर मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस मौका पर उनका कहना था, प्यारी से आए अंदरून भाई क्या करते हैं भाई, और अल्लाह का शुक्र है फौज से हमारे पहले भी आए तबीयत वाले उनकी दुआएं तमन्नाएं पूरी हुई, तब भी आंसूमीदे लेकर आए फौज बहुत दिन के सद की हमारी भी दुआएं पूरी होंगी और जो घर बैठे हैं उनकी भी दुआएं कबूल होंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम जी तो तवे खबर आए तो असाजे मुर्शिद शाहरुख ने आलम दिन जो 708 उत्सवा मुबारक शुरू की चुको है सालाना, जैमें अस सिंध को लाड़कने को शिरकत कई है, असाजे मुर्शिद शाह मोहम्मद कुरैशी साहब जन पैर निशस्त में शामिल थे, मुरीदन लाए दुआ घुरी है, अस दिल में यही सो तमन्ना रखी इंदा तो अस दिसूँ जहाँ दुआ है असर असर थी अस दिल दिल में घुरा अस मिल सदन का वही सिलसिलो हल रहे तो पो इनशा ता कयामत यो सिलसिलो हल रो ता कयामत अस सिंध में इतने काफिला वी इंदी पैं मुर्शिद से हाजिरी भरी इस मौका पर इंतजामिया की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह का 708वां उर्स मनाया जा रहा है और हमने तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल मेडिकल कैंप के साथ रेस्क्यू 1122 का कैंप भी लगाया गया। इस सिलसिले में 2 मीटिंग्स हमने की थी और पहले से बेहतर करने की कोशिश की है रूटीन के इंतजाम से, जिसमें हमने पोर्टेबल वाशरूम्स ज़ायरीन की सहूलत के लिए बनाए गए हैं जो पहले कभी नहीं बनाए गए थे। इसी तरह ज़ायरीन के लिए पहली दफ़ा रेलवे स्टेशन से दरबार शरीफ तक शटल सर्विस शुरू की गई है और जो कैंप्स बनाया गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए ताकि ज़ायरीन को कोई मुश्किल ना हो, वो भी बड़ी विजिबल प्लेस पे बनाया गया और अच्छे तरीके से बनाया गया है। बाकी रूटीन में सफाई के इंतजाम, ज़ायरीन की सहूलत, उनके लंगर के इंतजाम को भी कोशिश की गई है पहले सालों से बेहतर किया जाए। तमाम डिपार्टमेंट्स जो अलर्ट हैं, पुलिस ट्रैफिक तमाम लोग अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं और इन 3 दिन में ज़ायरीन की सहूलत के लिए तमाम इकदाम को बरूए कर लाया जाएगा।